तो हम तो फिर प्रेशर और पहलियान और कीटोन का नेक्स्ट नेमी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट नेमी रिएक्शन है हमारा गटरमान पोच रिएक्शन। गटरमान पोच रिएक्शन ये भी एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोच है, ये भी बहुत बार आया हुआ एग्जाम लैंग्वेज लिखने के लिए। ये रिएक्शन देगा, इसका नोट्स लिखो और एक तो केमिकल रिएक्शन लिखो एग्जाम्पल के तौर पर। देखो यहाँ पे हो रहा गटर मान, तो गटर मान का गटर में फेंकना है, ठीक है। तो गटर में किसको फेंकने जा रहे, बेंजीन को। सबसे पहले बेंजीन का रिंग ले ली, तो गटर में बेंजीन को फेंकने जा रहे हैं। तो बेंजीन को काहे फेंकने जा रहे हैं, क्योंकि बेंजीन है ना सो कोको कोला पीता है। अब कोको कोला पी लिया उसके बाद हकलाने लगा, तब उसको पूछे कहा हकला रहे हो, तो बोलता है ना कि हम पोयम गा रहे हैं। तो बोले कौन ला पोया, तो बोलता आलू का चालू बेटा, मतलब अनहाइड्रस। और आलू का चालू का मतलब AlCl3, क्या है AlCl3, याद है तुमको पढ़ाए थे फ्रीडर क्राफ एसिटाइलेशन, जिसमें क्लोरोपेनिक रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ करते थे और बनाते थे हम लोग क्लो एसिटोफिनोन बनता था। अरे एसिटोफिनोन और क्लोरोबेंजीन लोगे तो ऑर्थो क्लोरोएसिटोफिनोन और पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्लोरोबेंजीन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन का रिंग ले लिए। देखो ना ये एसिटाइल क्लोराइड नहीं, ये फॉर्मल क्लोराइड है, पता ही चल रहा है। देखो कैसा सीओ ग्रुप में होता कीटोन ग्रुप, ये हो गया मेरा कीटोन फंक्शन ग्रुप, ओके। अब देखो कीटोन हो गया, कीटोन के पास दो दो खाली बॉन्ड है, तो एक खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन लग गया और दूसरा खाली बॉन्ड में सीएल लग गया और ये बन गया तेरा फॉर्माइल क्लोराइड। क्या बन गया, फॉर्माइल क्लोराइड। हम जानते हैं कि बेंजीन के पास एक तो हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल, तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया, HCl। अब यहाँ पर ये बन चुके मेरा फिनाइल ग्रुप, क्या बच गया, फिनाइल ग्रुप। यहाँ पर हो गया बेंजीन के ऊपर एक तो खाली बॉन्ड था, तो खाली बॉन्ड दे दिए। अब इस खाली बॉन्ड में जुड़ गया कीटो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख दिए कीटो ग्रुप और कीटो ग्रुप के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन। तो जब बेंजीन पर हो जुड़ाव, बेंजीन जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से, इसको क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा बेंजल डिहाइड और इसका नाम हो गया मेरा बेंजीन, इसका नाम हो गया मेरा बेंजीन। तो यहाँ पे देखो गटरमान पोच है, जल्दी जो है लैंग्वेज की छात्र देखो यहाँ पे अगर अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं देगा ना, तो इसके बदले में तुमको लिखा हुआ रह सकता है क्यूबरस क्लोराइड, मैं क्या एच एच गटरमान पोच, गटरमान पोच के उस एच पोच रिएक्शन, ठीक है रिएक्शन लिख लो, नहीं लैंग्वेज लिखो ना, पहले देखो वेन वेन बेंजीन बेंजीन इज रिएक्टेड विद इज रिएक्टेड विद, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिखा सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, ठीक है, फॉलोड बाय सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस हाँ CuCl, क्यूपरस क्लोराइड, देन बेंजल डिहाइड इज फॉर्म, डिहाइड इज फॉर्म। भैया फ्लोरोड क्यों नहीं लिखे, नहीं फ्लोरोड लिख सकते हो, फ्लोरोड हम इसलिए लिखे नहीं लिखे ना क्योंकि ये कैटलिस्ट है, ये बस सिंपल से रिएजेंट है, रिएजेंट कैसे HCl फॉर्माइल क्लोराइड, रिएजेंट लेते तो हम एसिटाइल क्लोराइड, ये रिएजेंट है ना इसलिए इसको इन द प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट है ना। तो बोलो जब
बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड के परिवेश में मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाल्डिहाइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को गटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं।